आखिर कैसे तुर्की इस मामले में भारत से काफी आगे निकल चुका है और क्यों यह भारत के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तो दरअसल हाल ही में तुर्की ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को दुनिया के सामने रिवील किया, जिसे TFX कहा जा रहा है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि तुर्की के TFX की डेवलपमेंट 2010 में शुरू हुई थी और तुर्की इस साल के अंत में इस एयरक्राफ्ट का फ्लाइंग टेस्ट भी कर लेगा। वही भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका प्रोजेक्ट की शुरुआत 2009 में शुरू हुई थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का एमका 2030 से पहले बनकर तैयार नहीं होगा। अब दोस्तों, तुर्की भारत से पहले 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट इसीलिए बना पाया है क्योंकि तुर्की US मेड F-16 और F-35 के प्रोग्राम का हिस्सा था, जिसकी वजह से तुर्की को F-35 के वह सभी टेक्नोलॉजी हासिल हो गए जिसकी उसे जरूरत थी। खैर, अब आप बताइए, क्या भारत 2030 से पहले एमका को तैयार कर पाएगा? इसका जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।